भी गर्भ में प्रवेश कर रहा है उसको बकायदा तिलक लगा के उसका प्रवेश किया जाना चाहिए। असामाजिक तत्व शामिल नहीं हो और हम देवी की भक्ति के रूप में श्रद्धा के रूप में गरबा करते हैं। मुस्लिमों, ईसाइयों और अन्य लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही जो अनुचित है। यहाँ के हर धर्म का जो त्योहार है वो सभी लोगों के लिए है। वहाँ पर जो ड्रेस पहन कर आते हैं, जो कपड़े पहन के आते हैं, पारंपरिक वेशभूषा में पहन कर आए, पूरे देश में लोगों की आस्था श्रद्धा भक्ति भाव से लोग गरबे में शामिल होते हैं और इसलिए निश्चित रूप से उसमें असामाजिक तत्व शामिल नहीं हो और हम देवी की भक्ति के रूप में श्रद्धा के रूप में गरबा करते हैं तो उसके जो हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, हमारा ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, कोई भी अश्लीलता उसमें नहीं होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तथा हिंदू संगठनों द्वारा गरबा में मुस्लिमों, ईसाइयों और अन्य लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही जो अनुचित है। इस देश में तीज त्यौहार सभी पूरे सारे देश में रहने वाले हर लोग मिलकर मनाते हैं और इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम किसी भी संगठन को नहीं करना चाहिए और इस तरह से जो करने वाले हैं वो देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। यहाँ के हर धर्म का जो त्यौहार है वो सभी लोगों के लिए है, किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं है और सभी को, सभी धर्म को मानने वाले लोग अगर एक दूसरे के धर्म को मानते हैं तो निश्चित रूप से अनेकता में एकता का प्रतीक है जो हमारे देश का सिद्धांत ही है। नवरात्रि शुरू होने के पहले, गरबा शुरू होने के पहले विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित समस्त हिंदू संगठनों ने आज कलेक्टर SP से मुलाकात की, उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा है कि गरबा में, खासकर गरबा में आधार कार्ड देखकर ही प्रवेश देना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लव जहाद फैलाने वाले एक जो कौम है उनको और जो धर्म परिवर्तन कराने वाला जो कौम है उनके लोगों को गरबा में प्रवेश नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जो भी गरबा में प्रवेश कर रहा है उसको बाकायदा तिलक लगा के उसका प्रवेश किया जाना चाहिए। उनका यह कहना है कि कुछ समाज, असामाजिक तत्व के लोग, कुछ विशेष धर्म के लोग गरबा जो होता है, जो आस्था का पर्व होता है, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर लव जहाद फैलाने की कोशिश करते हैं, पूरा माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उन्होंने कलेक्टर SP से की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो गरबा, जहाँ जहाँ गरबा हो रहा है वहाँ पर अश्लीलता ना फैली जाए, ना फैले। वहाँ पर जो ड्रेस पहन कर आते हैं, जो कपड़े पहन के आते हैं, पारंपरिक वेशभूषा में पहन कर आए, अश्लीलता वाले कपड़े पहन कर ना आए, वहाँ पर जो गाने बज रहे हैं वो किसी प्रकार के अश्लील गाने ना हो, इन सब पर विशेष ध्यान रखने की मांग उन्होंने की है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ पर बनी रहनी चाहिए और जो भी हुड़दंगी है, जिस तरह के जो आयोजन होते हैं वहाँ पे जो नशे का प्रयोग होता है वो नशे का प्रयोग ना हो, इस पर पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसको लेकर अब राजनीति भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पूर्व मंत्री जो है शिव डहरिया, उनका यह सीधा सीधा आरोप है कि देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और देश की एक जो पहचान है कि हर त्यौहार, हर उत्सव, हर पर्व को देश के सभी जाति धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं, तो कुछ लोग इस माहौल को, इस एकता को खंडित करने में लगे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि देश की एकता बनी रहे और सभी लोग मिलकर एक साथ त्यौहार बनाएं। उसको लेकर इस तरह कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग इस तरह से दुर्भावना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका विरोध किया जाना चाहिए, ऐसे उस पूर्व मंत्री का कहना है। वहीं इसके जवाब में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनका यह कहना है कि ये जो गरबा होता है, जो नवरात्रि का त्यौहार होता है, वो एक आस्था का सवाल होता है। पूरे देश भक्ति भाव के साथ, पूरे अपने मन से, श्रद्धा मन के साथ जो पूरे देश के लोग वहाँ पर गरबा मनाते हैं, अपनी आराधना करते हैं और ऐसे में असामाजिक तत्व के लोग हैं, सोशल एलिमेंट्स, अनसोशल एलिमेंट्स के लोग हैं जो वहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। शासन प्रशासन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे लोगों का वहाँ पर प्रवेश ना हो, इसकी व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने की है। तो कुल मिलाकर नवरात्रि आने के पहले और गरबा का जो एक उत्सव, एक माहौल बनता राजधानी में, उसके पहले इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और हिंदूवादी संगठन इसको लेकर एक हो चुका है। तो निश्चित रूप से जब दो दिन बाद नवरात्रि शुरू होगी और गरबा का त्यौहार शुरू होगा तो उस दौरान इस मुद्दे को लेकर एक विरोध और एक माहौल बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश हो सकती है और विरोध भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है और इसको पूरी तरह से कंट्रोल करना, इसको नियंत्रण करने की जिम्मेदारी अब शासन प्रशासन और पुलिस की होगी। अब देखना ये होगा कि इस पूरे जो एक माहौल जो बन रहा है उसको किस तरह से शासन प्रशासन कंट्रोल में करता है और हमारे शहर की जो एक पहचान है, हमारे शहर की एक छाप है, छत्तीसगढ़ की एक छाप है कि सभी धर्म जाति के लोग मिलकर एक साथ त्यौहार मनाते हैं, वो परंपरा किस तरह से कायम रहती है, ये देखने वाली।
बात होगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाज़त। नमस्कार।